दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी खबर या यूं कहें कि एक ऐसी जानकारी दिखाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपको इस खबर से सीख लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए। दरअसल ये हकीकत की घटना है और घटना ऐसी कि उस घटना ने हर किसी को झकझोर के रख दिया। झकझोरती भी क्यों ना, जब उनके बच्चों के सामने, उसकी पत्नी के सामने उसकी मौत हो जाए तो वो अपने आप में समझिए कि वो जो पूरा का पूरा घटनाक्रम होगा वो कितना झकझोर कर देने वाला होगा। दरअसल एक युवक अपने खेत में काम कर रहे बच्चे, पत्नी, परिवार के लोगों के लिए मिठाई और नाश्ता लेने के लिए पास में एक शहर में गया और वहां से मिठाई नाश्ता खरीदा, क्योंकि दीपावली का त्यौहार कल ही था और पूरे परिवार के लोग घर से 3-4 किलोमीटर दूर खेत में काम करने के लिए आए हुए थे। इस दरमियान उस युवक के बच्चों ने कहा कि पापा हमारे लिए मिठाई लाइए, दीपावली का त्यौहार है, हमारे परिवार के सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम सब मिलकर मिठाई खाएंगे, नाश्ता करेंगे। तो युवक शहर जाता है, वहाँ से मिठाई खरीदता है और मिठाई खरीद करके जब अपने खेत आता है तो बीच में रेल की पटरियाँ गुजरती हैं। युवक रेल की पटरियों पर से अपने खेत आ रहा था और उसने बीच रास्ते में अपने कानों में ईयरफोन डाल दिया। अब उस ईयरफोन से वो गाने सुन रहा था या किससे बात कर रहा था या कुछ और बज रहा था, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जानकारी ऐसी मिली है कि युवक के कानों में ईयरफोन थे, इसलिए पीछे से एक ट्रेन आई और उस युवक को ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं दी, महज उस ईयरफोन की वजह से, जिसके चलते युवक जैसे ही अपने खेत के पास पहुंचा था, परिवार के लोग, बच्चे सब खुश हो गए, पापा मिठाइयां लेकर आ रहे हैं, लेकिन इतने में ट्रेन आती है, सब लोग दूर खड़े चिल्लाते हैं, भागते हुए आते हैं, लेकिन उससे पहले उस युवक के लिए काल बनकर आई वो ट्रेन उसको कुचल देती है, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत होती है। हालांकि उसकी मौत का कारण क्या था, आप खुद सोचिए, आप खुद समझिए और आप खुद इस बात को लेकर चिंतन करिए कि काश वह युवक अपने कानों में ईयरफोन डाल करके बाजार से खेत नहीं लौटता तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं होती। शायद उसके बच्चे और परिवार के लोग सब मिलकर उस युवक के साथ मिठाई खाते, नाश्ता करते, दीपावली का त्यौहार मनाते और खेत में काम भी करते, लेकिन एक सिर्फ ईयरफोन की वजह से उस युवक की मौत हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आसपास के लोगों ने ऐसा हमें बताया है। हालांकि उसके परिजनों ने पुलिस को क्या रिपोर्ट दी है या फिर घटना क्या थी, ये पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वाकई में सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आमतौर पर जब हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं या रेल की पटरियों से जा रहे होते हैं तो कई प्रकार की ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते और उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हादसे हो जाते हैं, मौत हो जाती है, पूरे परिवार की खुशियां मातम में बदल जाती है। किसी के सर से पिता का साया उठ जाता है तो किसी का सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। किसी की माँ का लाडला चला जाता है तो किसी के पिता का कंधों का सहारा चला जाता है। ऐसे में हमारे तमाम दर्शक हैं, उनसे हमारी अपील है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा ताकि इस प्रकार के हादसे नहीं हो। अपने वाहन चलाते समय फोन पर बात नहीं करें, हेलमेट लगा के रखें, गाड़ी चलाते समय जो चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी होती हैं वो जरूर रखें। रेल की पटरियों पर से गुजर रहे हैं तो कानों में ईयरफोन नहीं डालें। तो तमाम हमारे दर्शक, जिन लोगों ने इस खबर को पूरा सुना है, वो सभी साथी इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।